हाँ दोस्तों, दोस्तों यदि आपने कोई भी बाइक फाइनेंस करा रखी है और उसे आप रीपेमेंट करने में असमर्थ है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आपके साथ क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार का फाइनेंस करा लेते हैं बाइक पर तो उसमें आपको एक ईएमआई बन जाती है कि हर मंथ आपको इतने की ईएमआई पेड करनी है और मंथली पेड करनी है। लेकिन आप जैसे ही उसे पेड करते रहते हैं तो फिर आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे ही आपकी अवर ड्यू में स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि जो आपने ईएमआई बांध रखी है वो देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में फर्स्ट ईएमआई पेड टाइम टू टाइम नहीं होती है और आपकी छूट जाती है तो आपको केवल चार्ज लगा के डाल देनी है, तो उसमें आपके साथ कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला। शायद आपको कोई एक रिमेंबर कॉल आ सकती है कि आपकी जो ईएमआई है वो पेड नहीं कर रहे हैं। लेकिन थोड़े से और ज्यादा दिन बढ़ते जाते हैं तो आपके पास रिकवरी एजेंट भी आ सकता है कि ये ईएमआई आपसे क्यों छूटी है। यदि ईएमआई छूटी है तो क्या प्रॉब्लम है, आप इसे मतलब कि पेनल्टी के साथ पेड भी कर सकते हैं और शायद फर्स्ट ईएमआई में नहीं भी आ सकता है, ज्यादातर नहीं आता है। लेकिन बाय चांस अगर बड़ी ईएमआई है जैसे कार की है या फिर कोई बड़ी गाड़ी है उसकी ज्यादा ईएमआई है तो तब आ सकता है, लेकिन फर्स्ट ईएमआई में केवल चार्ज लग के हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि आपका फर्स्ट ईएमआई आपका सिविल स्कोर थोड़ा सा डाउन होता है, जरूर होता है लेकिन थोड़ा होता है, ठीक है। सिविल स्कोर यहाँ पर डिपेंड करता है कि यदि आपने कोई भी आगे को लोन लेना है भविष्य में तो सिविल स्कोर पे ही मिलता है, कोई भी बाइक मिलती है तो सिविल स्कोर पे ही मिलती है, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, उसे सही रखना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से यदि आपकी सेकंड भी ऐसे ही होता है तो केवल चार्ज लग के यहाँ पे भी इसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन थर्ड अब आ जाता है, थर्ड जो कि मेन है, तीसरी ईएमआई ऐसी होती है कि लगातार तीन छूट गई, जैसे कि एक छूटी और तुमने दूसरी दे दी या फिर तीसरी छूटी, ऐसे कोई मतलब नहीं, मतलब कि गैप करके थोड़ा थोड़ा हो जाता है, लेकिन लगातार तीन ईएमआई छूट गई तो इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर आपके घर रिकवरी एजेंट आएगा, आपके घर रिकवरी एजेंट भी आएगा और जरूर आएगा। और यहाँ पर एक बात चीज याद रखनी होगी कि यहाँ से ही सारा खेल शुरू हो जाता है, यहाँ से ही आपका लोन एनपीए में चला जाता है, मतलब कि नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट, यदि तीन ईएमआई छूट जाती है। और उसके बाद यहाँ से ही आपको एक नोटिस भेज दिया जाएगा, नोटिस यहाँ पर आपके घर पर आएगा, उसमें लिखा होगा, साफ साफ लिखा होगा कि यदि आप ये ईएमआई आपने 3 महीने तक जो रीपेमेंट नहीं की तो इसे देखते हुए कि हमने आपका लोन एनपीए में डाल दिया है, मतलब कि नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट बना दिया गया है कि आपने कोई भी 3 महीने से लोन की ईएमआई नहीं दी है, तो इसे देखते हुए कि आपका लोन मतलब एनपीए में डाल दिया गया है और आप इसे जो पेमेंट है आप मतलब कि 60 दिन में 2 महीने में आराम से पेड कर सकते हैं पेनल्टी के साथ, ठीक है। 2 महीने आपको और दिए गए, 3 महीने वो हो गए जो आपने दिए नहीं, 2 महीने और दिए वो अपनी तरफ से देती है। कोई भी फाइनेंस हो, कोई भी किसी भी प्रकार का हो, वैसे भी होम लोन हो, कार लोन हो, बाइक लोन हो, ठीक है, इस प्रकार का लोन हो तो आपको 2 महीने का और नोटिस जारी कर दिया जाता है जिसे पब्लिक नोटिस भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये दर्शाता है कि आपको 2 महीने दे दिए गए हैं और आप इसे 2 महीने में और दे सकते हैं लोन। लेकिन इसके बाद भी आप नहीं देते हैं तो फिर भी आपको एक नोटिस जारी किया जाता है। लेकिन इन 2 महीने में क्या होएगा आपके साथ, देखिए आपका एक तो नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट बन गया एनपीए में, ठीक है, दूसरा आपका सिविल स्कोर डाउन होना स्टार्ट हो चुका है, तीसरा यहाँ पर आपको एक नोटिस जारी कर दिया गया है और एक यहाँ पर आप डिफॉल्टर में भी चले गए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप बैक के डिफॉल्टर में चले गए हैं, ठीक है, अभी सेटलमेंट नहीं हुआ, डिफॉल्टर में भी चले गए। यहाँ पर आपके साथ 4-5 चीज हो चुकी है तीसरे महीने के बाद, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है कि यदि आप इन 2 महीने में भी नहीं पेड कर दे, यहाँ पर एक नोटिस आपको और जारी किया जाता है। लेकिन इस नोटिस में आपके क्या लिखा होता है, इसमें आपको 7 दिन का टाइम दिया होता है, केवल 7 दिन का। यदि आप इन 7 दिन में भी पेड नहीं करेंगे, वो 2 महीने और 3 महीने खत्म हो गए, यदि आप इन 7 दिनों में भी पेड नहीं करते तो जो आपको एसेट दे रखा है, मतलब कि आपको बाइक दे रखा है, फाइनेंस दे रखा है, ये बाइक या फाइनेंस या कार जो भी आपने ले रखी है वो छीन ली जाएगी आपसे, ठीक है, छीन ली जाएगी। यदि आप उसे सेल कर देते हैं या किसी भी प्रकार, तो आप हमारा रीपेमेंट कर दीजिए, ये बाइक उनकी हो जाएगी। आरबीआर जो आरबीआई है, जो हमारी मतलब सबसे बड़ी बैंक है, उसने गाइडलाइन जारी कर रखी है, ठीक है, आपने नोटिस भेजा उसके अनुसार नहीं मिला तो आरबीआई के जो गाइडलाइन है रूल के अनुसार आपकी बाइक छीन ली जाएगी,
ठीक है, उसमें आपको 5 महीने मिले, 3 महीने एनपीआर में डालने के, 2 महीने आपके पास, तो उसके बाद आपकी बाइक छीन ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो चुका है, इसमें 2 महीने में 3 महीने के बाद आपके पास काफ़ी सारे मतलब कि एजेंट आएंगे। यदि आपने एजेंट को आप ईएमआई दे देते हैं तो इस प्रकार भी आपको छूट मिल जाती है, लेकिन अगर नहीं दे दें तो आपसे बाइक वगैरह छीन ली जाएगी। यदि आपकी बाइक टाइम टू टाइम कहीं भी मिल जाती है तो आपकी बाइक छीन ली जाएगी। लेकिन इसमें आपको याद रखने वाली बात है कि बाइक कोई भी आपको कहीं से भी छीन सकता है, ठीक है, आप जैसे कहीं भी घूमने जाते हैं जब भी छीन सकता है, ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन होने वाली है। देखिए अब बात करेंगे हम जेल की, क्या आपको जेल भी हो सकती है? तो दोस्तों इतना ध्यान रखिए कि जेल तभी होती है जब आपको 420 कर रहे हैं, आपने फाइनेंस लिया था, आपके पैसे नहीं है, तो इसमें ये 420 नहीं हुआ। 420 तब होता है कि आपने बाइक ली है और आपने कोई भी किस्त पेड नहीं करी है, ठीक है, पेड नहीं करी, कोई भी किस्त पेड नहीं करी है और आपने कोई भी वो बाइक बेच दी है किसी भी, मतलब कि 420 ही करके किसी को बेच दी और पैसे आप उसके खा गए, तो वो 420 ही में आ जाती है। ऐसा भी होता है कि आपको एक्सीडेंट में हो गया है, किसी प्रकार से बाइक आप लोन नहीं दे पा रहे, कुछ आपने लोन दे दिया है, तो इस प्रकार में 420 नहीं आती है। तो आपको यहाँ पर एक चीज और मिलता है कि अगर आपकी मतलब कि ईएमआई लास्ट में रह गई है, 50% से ज्यादा आपने पेड कर दिया है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, आपकी बाइक नहीं छीनी जाती, आपको टाइम मिल जाता है, आप उसे सेटलमेंट भी करा सकते हैं, थोड़ा लोन आप कम भी करा सकते हैं। लेकिन वो बाद में होता है जब आपका काफी सारा लोन पेड हो जाता है, कुछ ही लोन रहता है, लेकिन उसमें आपको एनओसी नहीं मिलती है। अगर आपको एनओसी मिलती है मतलब नो ड्यू लेना है, तो आपको टोटल ही पेड करना पड़ेगा, जब भी आपको नो ड्यू मिलेगा उससे ही आपका लोन क्लियर होएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके साथ इस प्रकार की घटना हो सकती है। यदि फिर भी आपका कोई भी मतलब कि जवाब है, क्वेश्चन है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा।